गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपकी छठी है और डेट है 17 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, दशमलव की इकाई लंबाई, भार और धन। लीला अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है, ठीक है। उसके पास मापने के लिए 50 मीटर का सेंटीमीटर है, लेकिन वो लंबाई जो है वो मीटर में मापना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आपको ये याद करना है, ये वाली चीजें याद करनी है आपको, याद रखने योग्य यानी कि याद ही करनी है। मैथ में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो याद करनी होती है, बाकी समझने की होती है। तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे की। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ठीक है ना। 1 रुपया जैसे है, अगर 100 पैसे के बराबर है तो 1 पैसा कितने के बराबर होगा आपको निकालना हो ना, तो 100 गुणा 1 पैसा करके, ठीक है, और इस 1 रुपए के नीचे 100 ले आना, 1/100 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ग्राम का, किलोग्राम का निकालना हो तो वैसे भी निकल जाएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो देखो ये है हमारा 1915 मीटर दिया हुआ है, तो 1915 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 1915 मीटर, ठीक है, बराबर कितने के, बराबर किलोमीटर के। अब मुझे ये बात पता है कि भाई 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर बराबर होता है कितने के, 1 किलोमीटर के, ठीक है भाई। तो मैं इसको लिख लूं, 1000 मीटर जमा, ठीक है, 1000 मीटर जमा 915 मीटर लिख लूं, लिख देती हूँ। तो 1000 मीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 किलोमीटर लिख सकती हूँ, है ना। तो 1 किलोमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 किलोमीटर km लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये हो गया 915 मीटर, एज इट इज लिख दिया इसको मैंने। तो ये तो मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बात आती है इस मीटर को भी मुझे दो, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि हमेशा क्या होता है बच्चा कि सेम होना चाहिए जोड़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे मीटर, ये तो नहीं होगा काम, हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो मीटर में निकालना है, हमें तो किलोमीटर में बनाना है इसको। तो मैं क्या करूं, इस मीटर को मैं क्या कर देती हूँ, किलोमीटर में बना देती हूँ। तो अब जब, मतलब जो छोटे वाला होगा ना, हमेशा वो 1/1 होगा, जैसे किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो किलोमीटर में ज्यादा मीटर होंगे, ठीक है, ऐसे किलोमीटर हो गया। अब आपको 1 मीटर का निकालना हो ना, तभी इस किलोमीटर के नीचे, 1000 ले आओ, तो किलोमीटर के 1000 ले आई मैं, यानी कि 1 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर अपॉन में 1000, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1915 गुणा 1 मीटर, ठीक है, प्लस में 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर एज इट इज आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 1915, और इस 1 मीटर की जगह मैं लिख सकती हूँ ये वाली चीज, ये मीटर है भाई, क्या लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ 1/1000। मैंने क्या सिखाया है, 3 के बाद 1, 2, 3, 3 के बाद लगेगा 0, दशमलव और प्लस में 1, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैंने किस तरीके से सिखाया है, जिसके पास नहीं है उसके पीछे लगा दो, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट मैच करेंगे, और इनके पास कुछ नहीं है तो ऊपर 0 लगा दो, ताकि गलती ना हो। तो मैं लिख सकती हूँ इसको 1.915 मीटर, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। ये आ गया हमारा, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर आएगा ये, ठीक है, किलोमीटर कर लेना इसको, ये आ गया किलोमीटर, किलो मीटर, इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1.915 किलोमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर से मीटर में करना है, तो हम सेम रहेगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर जमा कितना आ जाएगा, 55 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर लिख सकती हूँ, और 55 सेंटीमीटर को मैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, तो मैं 1 मीटर नहीं, 1, हाँ मीटर ही है, प्लस में 0.55, तो ऐसे ही जोड़ लूंगी इसको भी, तो 0.55, तो आ गया 1.55, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 2.50। इसी तरीके से इसको, ग्राम को, 900 ग्राम को निकालेंगे 1 किलोग्राम में, तो 900 ग्राम को किलोग्राम में ये थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट, तो इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 900 ग्राम वाला, 900 ग्राम है भाई, तो 900 गुणा 1 ग्राम लिख लिया। मुझे पता है 1000 ग्राम में मेरे कितने होते हैं, 1 किलोग्राम बनता है, ठीक है। तो 1 ग्राम में डिवाइड कर दो उसको किलोग्राम से, कितने, किससे डिवाइड करते हैं, इधर वाले से डिवाइड करते हैं 1 ग्राम का निकालने के लिए। तो मेरे को 1 ग्राम की वैल्यू पता लग गई, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 9/10 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया
ये हो गया 9/10, तो एक के बाद हमारा लग जाएगा 0.9 kg, हमारा आंसर आ गया है। जो सही लिख दीजिए यहाँ पे 0.9 किलोग्राम। अब 6800 किलोग्राम है, ठीक है ना, तो फिर सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्या करोगे, सीधा सा 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज करके देख लो, यहाँ पे 6800 ग्राम है अब, तो यहाँ पे 6800 ग्राम कर दो सब जगह, ठीक है, यहाँ पे 6800 ग्राम हो गया, ठीक है, फिर से यहाँ पे भी 6800 ग्राम हो गया, यहाँ पे भी 6800, तो यहाँ पे 3 0 3000 के नीचे, ओके, तो ये हो गया हमारा, 2 0 तो कट गई, अब बच गई एक, तो एक के बाद पॉइंट लगा, 6.8 किलोग्राम आंसर आ गया अगले वाले का, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 6.8 किलोग्राम आ गया। अब रह गया 215 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको कितना लिखूंगी, 500 को, रुपये को चेंज करना है, 1 रुपये में 100 होते हैं, तो 500 गुणा 1/100 रुपया हो गया, रुपये हो गए, तो 0 कट गई, तो कितना आ गया, 5 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, याद है आपको, मैंने आपसे पूछा था कि 8.053 और 8.035 में से कौन सा बड़ा है, और बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है कि ये बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं आपको चेंज करने के लिए देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल दे दूँ, मुश्किल तो क्या दूँ, थोड़ा सा आसान दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ आपको, चेंज करना है 9 5 3, ठीक है, ग्राम को, ठीक है, ग्राम को किसमें, किलोग्राम में, देखते हैं आप चेंज कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, ग्राम को, ओके। तो आज की वीडियो के लास्ट, तो मेरे पास कलरफुल पेन है, तो हम ले लेते हैं टारगेट 500 लाइक्स का, तो 500 लाइक्स तक तो पहुंचा ही दिया करो, इतने सारे लोग देखते हो, 4 या 5 हज़ार या 6 हज़ार तक आप लोग देखते हो, तो उतना तो आप लोग लाइक करना चाहिए ना आपको, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो और आपको सिर्फ एक थोड़ी देर, आपका सिर्फ आपको बटन ही प्रेस करना होता है, ओके। और हाँ, अगर आप में से कोई अनअकैडमी पे कुछ देखता है या फिर कोई कोर्स खरीदता है, तो आप लोग पूर्णिमा 10 लिख के उनकी जो लॉक्ड क्लासेस हैं वो अनलॉक कर सकते हैं, पूर्णिमा 10 लिखेंगे तो अनलॉक कर सकते हैं, वैसे तो नहीं देखते होगे, बट स्टिल अगर मन करे देखने का तो पूर्णिमा 10 लिख के अनलॉक कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो चैनल को आप लोगों ने, आप कहते हो कि मैम हमने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो अब मैं आपको कहती हूँ कि आपको वीडियोज़ को शेयर करना है, लाइक करना है, और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 500। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।